गुड मॉर्निंग, मेरा नाम रजनीश अग्रवाल है। मैं नवंबर 2017 से वेस्टीज कर रहा हूँ। इस वीडियो में मैं आपको वेस्टीज का बिजनेस प्लान बताऊंगा। वेस्टीज, आप सब ये सोचते होंगे कि वेस्टीज इतना इनकम कैसे देती है। अगर आप कोई भी मार्केट से सामान खरीदते हैं, कोई सामान बनाता है, फिर बीच में बहुत सारे बिचौलिए होते हैं, CNF होते हैं, होलसेलर होते हैं, रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, और फिर जाके हमें सामान मिलता है। प्लस इस सामान की मार्केटिंग भी होती है, जिसमें लगभग 60% का खर्चा हो जाता है। अब वेस्टीज ने क्या किया, ये सब खत्म कर दिया और सीधे हमें सामान मिलने लगा। ये जो 60% का खर्चा बीच में होता था, ये वेस्टीज हमें इनकम के रूप में दे रहे हैं। वेस्टीज दो तरीके से कर सकते हैं आप, एक है एज अ यूजर और दूसरा है एज अ बिजनेस। एज अ यूजर करने का मतलब है कि आप केवल अपने लिए सामान खरीदते जा रहे हैं और लोगों को बता नहीं रहे। उसमें भी फायदा है, अगर आप लोगों को बताना शुरू कर देंगे तो आपका बिजनेस शुरू हो जाएगा और आपको और ज्यादा इनकम आनी शुरू हो जाएगी। अगर आप एज ए यूजर करते हैं तो आपको सबसे पहले फायदा होगा रिटेल प्रॉफिट का। कंपनी आपको डिस्काउंट देती है 10-20% का। कंपनी का जो भी MRP है, आपको सामान MRP पे नहीं मिलेगा, आपको डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पे मिलेगा। कंपनी का कहना है सबसे पहले आप सामान को यूज करिए, अच्छा लगे तो लोगों को बताइए और कमाइए। ये हम नॉर्मली भी करते हैं। अगर हमारा हमें किसी शॉप का सामान अच्छा लगता है तो हम लोगों को बताते हैं, लेकिन फर्क इतना है कि अगर हम वहाँ किसी उस दुकान के बारे में बताएंगे तो हमें वहाँ कुछ मिलेगा नहीं, लेकिन वेस्टीज में आपको कमीशन भी मिलेगा। जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप बताएंगे उतना ज़्यादा आपको कमीशन मिलेगा। कंपनी की तरफ से ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप घर घर जाके इसको सेल करें। कंपनी का कहना है आप अपनी जरूरत के हिसाब से सामान खरीदिए, लोगों को बताइए और कमाइए। लेकिन फिर भी अगर आप सेल करना चाहते हैं तो आप सेल कर सकते हैं। जितना ज़्यादा आप लोगों को सेल करेंगे वो यूज़र बनेंगे और फिर वो आपके बिजनेस में भी आ सकते हैं। दूसरा फायदा यहाँ पे ये होगा, आपको एक रीपर्चेज स्कीम मिलेगी। जिसमें आपको 8-10% का फ्री गिफ्ट मिलेगा। हर महीने की स्कीम अलग होती है, जिसमें जितनी आप खरीदारी करेंगे उसके 8-10% का फ्री गिफ्ट मिलेगा। मान लीजिए आपने किसी महीने की स्कीम है कि 800 रुपये की परचेज पे आपको 2 साबुन फ्री मिल रही है, जिनकी लगभग अमाउंट होगी 80 रुपये की। मान लीजिए अगर आपको ये खरीदारी 1600 रुपये की करते हैं तो आपको यही 4 साबुन फ्री मिल जाएगी। ये स्कीम, इस तरह की स्कीम किसी और नॉर्मल मार्केट में नहीं होती। अगर स्कीम है 1600 की तो उसमें जितना मिलना है वही मिलेगा, लेकिन मल्टीप्लाई होके नहीं मिलता। एक और स्कीम है, कंसिस्टेंसी स्कीम। इसको बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, जो भी आप खरीदारी करेंगे यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट्स मिलेंगे, जिनको बोलते हैं पॉइंट वैल्यू। एग्जाम्पल के रूप में, जैसे अगर आप 1000 रुपये का सामान खरीदेंगे तो आपको लगभग 30 पॉइंट मिलेंगे। इसी के बेस पे कंपनी ने कंसिस्टेंसी स्कीम निकाली है। कंपनी का कहना है अगर आपको लगता है कि आपके घर में ज्यादा सामान लग सकता है, ज्यादा यूज कर सकते हैं, तो कंपनी का कहना है आप 100 PV का सामान लगातार 4 महीने तक खरीदें और आपको चौथे महीने में 80 PV का सामान फ्री मिल जाएगा अपनी तरफ से। इसमें आप कोई भी प्रोडक्ट ले सकते हैं, होम केयर में ले, हेल्थ केयर में ले या पर्सनल केयर में ले, आप कुछ भी सामान अपनी मर्जी से ले सकते हैं। अब इसमें देखिए, इसकी कैलकुलेशन समझिए, 100 PV लगातार 4 महीने तक करना है, लगभग ये बैठेगा
3000 रुपए का सामान लगातार 4 महीने तक, मतलब आपको 12,000 का खर्चा हो गया। 80 पीपी का सामान फ्री मिलेगा आपको, 80 को अगर 30 से मल्टीप्लाई करें तो बैठता है 2400, लेकिन कंपनी आपको 2500 का सामान फ्री देगी। इसको अगर आप डिवाइड करके देखेंगे तो आपको ये निकलेगा 20% का डिस्काउंट। अब देखिए केवल यूजर बनने से भी आपको कितना फायदा हो रहा है। सबसे पहले आपको मिल रहा है 10% का रिटेल प्रॉफिट। हालांकि किसी प्रोडक्ट में 15 होता है, किसी में 20 होता है, लेकिन मैं मिनिमम लेके चल रहा हूँ। फिर आपने रीपर्चेज स्कीम भी ले ली, 10% का और मिल गया। फिर आपने कंसिस्टेंसी स्कीम भी ले ली तो आपको 20% का और मिल गया, ये टोटल हो गया 40%। बिना किसी को बताए आपको 40% का डिस्काउंट मिला है एमआरपी से। मुझे नहीं लगता ये कोई भी नॉर्मल मार्केट में ये फैसिलिटी दे सकती है। आपको एमआरपी से भी डिस्काउंट मिल रहा है, हर महीने गिफ्ट मिल रहा है, और हर 4 महीने के बाद भी एक फ्री गिफ्ट मिल रहा है 2500 का। अब मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप इसको एज अ बिजनेस करेंगे तो उस पर क्या फायदा होगा। एज अ बिजनेस करने का मतलब है कि अगर आप लोगों को बताएंगे और अपनी एक टीम बनाएंगे तो आपको ज्यादा फायदा होगा। जैसा कि मैंने पहले बताया था, सबसे पहली इनकम है रिटेल प्रॉफिट, वो आपको यहाँ भी मिलेगा जो 10 से 20% है। दूसरी इनकम है परफॉर्मेंस बोनस, जैसे कि मैंने बताया था कि जो भी आप खरीदारी करेंगे वैसी चीज से उससे आपको पीवी मिलेंगे, जिसको बोलते हैं पॉइंट वैल्यू। मतलब अगर आप 1000 रुपए का सामान खरीदते हैं तो आपको लगभग 30 पीवी मिलते हैं। इन्हीं पीवी के हिसाब से आपको कैशबैक मिलेगा। जब आपकी स्टार्टिंग होगी आपका लेवल होगा 5% का, जब महीने के महीने वो जुड़ता जाएंगे पॉइंट्स, तो अगर जैसे ही 500 क्रॉस हो जाएगा आपका लेवल हो जाएगा 8% का। जब आपका 2001 क्रॉस हो जाएगा आपका लेवल हो जाएगा 11%। जब आप 4500 क्रॉस करेंगे आपका लेवल हो जाएगा 14% का। जब आप 7500 क्रॉस करेंगे आपका लेवल हो जाएगा 17% का। जैसे ही आप 10001 क्रॉस करेंगे आपका लेवल हो जाएगा 20% का। अब इसके लिए मैं दो एग्जाम्पल दूंगा आपको। मान लीजिए आपने पहले महीने में 600 पॉइंट की खरीदारी करी, 600 पॉइंट के हिसाब से आपका लेवल होगा 8% का, आपको मिलेगा 600 इंटू 18 इंटू 8%। हो सकता है अगले महीने आपने काम अच्छा किया और आपको आपने 2000 पीवी की खरीदारी कर ली तो आपका लेवल हो जाएगा 11% का, क्योंकि तो आपका टोटल हो जाएगा 2600, 600 प्लस 2000 2600। तो इस महीने आपको मिलेगा 2000 इंटू 18 इंटू 11%। अब वैसी में एक खास बात है, हो सकता है अगले महीने आप कम खरीदारी कर पाए, हो सकता है आप 1000 पीवी की ही खरीदारी कर पाए, तो ऐसा नहीं है कि आपका लेवल वापस 8% हो जाएगा। आपने जो एक बार लेवल अचीव कर लिया है आप या तो उसके आगे ही जाएंगे या उसी पे रहेंगे। तो इस महीने भी मिलेगा आपको 1000 इंटू 18 इंटू 11%। अब मैं आपको एक और दूसरा एग्जाम्पल दूंगा। मान लीजिए ये आप हैं और आपने 1000 पीवी की परचेजिंग करी, आपको सामान अच्छा लगा, आपने किसी और को भी बताया, उन्होंने भी 1000 पीवी की खरीदारी कर ली, एक और को बता दिया, उन्होंने भी 1000 पीवी की परचेजिंग कर ली, तो आपका टोटल होगा ग्रुप पीवी 3000 पीवी। आपके डाउन में जो भी लोग होंगे, चाहे इधर हो या डाउन में हो, सबके पॉइंट्स आप में जुड़ेंगे। तो देखिए 3000 पीवी के हिसाब से आपका लेवल हो गया 11%, आपको मिलेगा 1000 इंटू 18 इंटू 11%। इन लोगों को मिलेगा 1000 इंटू 18 इंटू 1000 के हिसाब से ये लोग होंगे 8% पे, आप हैं 11 पे
और ये है 8% पे, तो आपको डिफरेंस अमाउंट भी मिलेगा। टोटल है 2000 पीबी इंटू 18 इंटू 11 माइनस 8 मतलब 3%। इस तरह से आपका लेवल चेंज होता रहेगा, इनका भी चेंज होगा, जो भी आप दोनों के बीच में लेवल का डिफरेंस होगा उसका कमीशन भी आपको मिलेगा। इस जब आपका लेवल 20% पे होगा तब आप कंपनी के डायरेक्टर बन जाएंगे। और आपको तीसरी इनकम मिलनी चालू हो जाएगी जिसे बोलते हैं डायरेक्टर बोनस। डायरेक्टर बोनस में क्या होगा, जो भी कंपनी का टर्नओवर होगा उसका 14% सभी डायरेक्टर्स में बांटा जाएगा पॉइंट्स के हिसाब से। जिसके ज्यादा पॉइंट्स होंगे उसको ज्यादा मिलेगा, जिसके कम पॉइंट्स होंगे उसको कम मिलेगा। अगर आपने टीम को अच्छा सपोर्ट किया और आपके नीचे एक और 20% पे आ गया तो आपका लेवल हो जाएगा सिल्वर का। सिल्वर बनते ही आपकी चौथी इनकम भी चालू हो जाएगी जिसे बोलते हैं ट्रैवल फंड। इसमें क्या होगा, कंपनी आपका एक अलग खाता खोल देगी जिसमें आपकी टर्नओवर का 3% डालती रहेगी और जब उसमें पैसे इकट्ठे हो जाएंगे आप कंपनी के साथ फॉरेन ट्रिप पे जा सकते हैं। सिल्वर डायरेक्टर पे ही एक पांचवी इनकम भी शुरू हो जाएगी जिसे बोलते हैं लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस, जो इस बिजनेस की सबसे बड़ी इनकम है। कंपनी अपने टर्नओवर का 15% आपके खाते में डायरेक्ट ट्रांसफर करेगी। जब आपके नीचे एक और डायरेक्टर बन जाएगा, जब आपके नीचे टोटल 2 डायरेक्टर हो जाएंगे आपका लेवल हो जाएगा गोल्ड का। जब आपके नीचे एक और डायरेक्टर बन जाएगा तब आपका लेवल हो जाएगा स्टार का। जैसे आप स्टार बनेंगे आपकी छठी इनकम चालू हो जाएगी जिसे बोलते हैं कार फंड। कंपनी आपका एक अलग खाता खोल देगी जिसमें आपकी टर्नओवर का 5% उसमें डालती रहेगी। जब पैसे इकट्ठे हो जाएंगे आप अपनी पसंद की कार ले सकते हैं। स्टार के बाद आपका लेवल होगा डायमंड का। डायमंड के बाद आप बनेंगे क्राउन। उसके बाद आप बनेंगे यूनिवर्सल क्राउन। उसके बाद आप बनेंगे डबल क्राउन। उसके बाद आप बनेंगे डबल यूनिवर्सल क्राउन। क्राउन बनते ही आपकी सातवीं इनकम चालू हो जाएगी जिसे बोलते हैं हाउस फंड। कंपनी आपका एक अलग खाता खोल देगी जिसमें अपनी टर्नओवर का 3% उसमें डालती रहेगी, जिसको जब पैसे इकट्ठे हो जाएंगे तो आप अपने पसंद का घर ले सकते हैं। केवल अपनी दुकान चेंज करने से और सोच बदलने से आपको ढेर सारा पैसा भी मिलेगा, विदेश यात्रा भी मिलेगी, कार भी मिलेगी और घर भी मिलेगा। तो देखिए, केवल अपनी दुकान चेंज करने से जब आपको इतना सब मिल सकता है तो इससे अच्छा बिजनेस और कोई नहीं है। ज्वाइन करने के लिए कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे ज्वाइनिंग फीस 0 है। ज्वाइन करने के लिए केवल आपको अपना आधार कार्ड देना है, मतलब इसकी फोटो देनी है, पैन कार्ड देना है और बैंक के लिए या तो पासबुक की कॉपी या कैंसिल चेक। केवल कंपनी कभी भी आपसे एक्स्ट्रा पैसा नहीं मांगेगी, कंपनी को जो भी आप पैसा देंगे उसका आपको सामान खरीदना है। आप अगर 100 पीवी से शुरुआत करेंगे तो आपकी पहले महीने में ही कंसिस्टेंसी चालू हो जाएगी। ये बहुत अच्छा बिजनेस है और जनरेशन का बिजनेस है, इसे आप शुरू करिए। विश यू वेल्थ।